टिश्यू स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट रिकैप कर ले। सेल का कोशिका का कौन सा पार्ट है जिसको बोला जाता है ब्रेन ऑफ द सेल, दैट मींस मस्तिष्क। सेल कोशिका का मस्तिष्क किस पार्ट को बोला जाता है? हाँ, वेरी राइट, न्यूक्लियस इज नोन एज द ब्रेन ऑफ सेल। लिया हो मार्केट से जो बोलते हैं ना खून बढ़ाने का सीरप दे दीजिए, है वैसे ही पढ़ा
उसमें ऐसे चित्र बना हुआ होता है उसके ऊपर गोल 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 ना, उसके बीच में बिंदी बिंदी लगी होती है ऐसे ऐसे करके, कोई ऐसे लेंथ में होगा, कोई सर्कुलर होगा। तो बेसिकली वो ब्लड का सेल्स का कलेक्शन होता है। तो अगर ब्लड एक सेल होता तो वो डायग्राम ऐसे ना बना देते, केवल ऐसे बना के दे देते दे। तो वो आप सीरम वगैरह लेते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे बने हुए होते हैं, एक में ही बना होता, तीन चार, दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ सेल्स। तो ब्लड आपका एक उत्तक है, टिश्यू भी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टिश्यू कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एवरीबॉडी अदर प्लांट और एनिमल, जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं चाहे वो जंतु हैं, तो सभी चीज आपकी एक कोशिका से मिलकर बनी होती है। और कोशिकाएं ऐसा नहीं है कि अकेली सेल ही, मतलब उसको छोड़ दीजिए, अमीबा को या कुछ असेप्शन जो आपको आ रहा है उनको छोड़ दीजिए, अन्यथा पूरा जो शरीर में कार्य होता है वो कोशिकाओं के समूह से होता है। बिकॉज इन जनरल आप हमारे सराउंडिंग में यूनिसेलुलर भी है लेकिन वो बहुत कम है, ज़्यादातर हमारे पास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो अब ये कोशिका जो होती है उनका बहुत सारी कोशिकाओं का समूह एक सी कोशिका, यानी कि उनका शेप साइज एक समान होना चाहिए, उनका कार्य एक समान होना चाहिए, वो कोशिका आपकी सारी कंबाइन हो जाती है तब वो किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कार्य को करती है। तो जब वो इतनी सारी कोशिकाएं जो एक समान है उसे जुड़ जाती है और तब वो किसी एक कार्य को करती है, दैट कलेक्शन ऑफ द सेल्स इज नोन एज टिश्यू, ठीक है। लिखवा देंगे। और दूसरा चीज जो टिश्यू का हम अध्ययन करते हैं, अगर ऊतकों का या टिश्यूज का स्टडी करेंगे तो उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। ही इज वेरी राइट। हिस्टोलॉजी वो ब्रांच है, वो शाखा है जिसके अंदर आपका टिश्यू का अध्ययन किया जाता है। ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी टिश्यू, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है वह शाखा हिस्टोलॉजी। हिंदी में मैं बोल देती हूँ तो हिंदी वाले जो मैं बोलती हूँ वो लिख लिया करें, अंग्रेजी वाले बोल देते हैं। क्या हुआ बेटा लास्ट बैच? हिंदी वाले चाह रहे हैं कि हिंदी वालों को बोर्ड पर लिखाया जाए। बचपन में इमला तो की होगी डिक्टेशन, तो वही चीज है, मैं बोल देती हूँ चेक कर एक तरह मात्रा है। बेटा डिस्कशन ना करो, अगर ऐसा कुछ है इम्पोर्टेंट है तो हमको भी बता दें, सो दैट सारी क्लास में इम्प्रूव हो जाए, है ना, अकेले अकेले नहीं, ठीक है। अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछिएगा, कोई ऐसा है टॉपिक है जो सभी के लिए जरूरी है तो बता दीजिए, आई कैन अनाउंस फॉर। चलिए एक ब्रांच होती है हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी वो क्या होती है? मैंने हिस्टोलॉजी आपको मालूम चल गया है, अब हिस्टोपैथोलॉजी क्या होता है? विशेषज्ञ लैब जो होती है। अच्छा, और अच्छा जिस लैब में उत्तक रखे जाते हैं उस लैब को हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और बहुत कॉमन चीज है, इसमें कॉमन क्या है, इसको तीन हिस्सों में ब्रेक कर, हिस्टो पैथो और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी अध्ययन, स्टडी करना, बायोलॉजी जूलॉजी सब पढ़ रहे हैं, हिस्टोलॉजी रेडियोलॉजी। हिस्टो का मतलब क्या होता है? उत्तक। अब पैथो का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली होता नहीं है पैथ लैब कुछ भी। अगर आपको अपने किसी डिजीज का डायग्नोस्टिक कराना है, माने किसी शरीर में कोई बीमारी उसका जा सके, तो मुझे पैथ लैब चले जाना, दुकान लैब्स का लिखा भी होगा ये पैथोलॉजी की लैब है, सुना है? तो पैथोलॉजी जो वर्ड है उसका मतलब है किसी भी डिजीज की स्टडी करना। तो अब हिस्टोपैथोलॉजी क्या होगा? यानी कि उत्तक में जो
साइंस की ब्यूटी होती है कि कुछ नया नहीं होता, जगह जगह से शब्द उठाए और उनके मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए, एक शब्द बना लिया, राइट। जो आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बेसिकली ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि श्रम का बंटवारा, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है श्रम का बंटवारा। सो डिवीजन ऑफ लेबर दैट मींस आपका क्या क्या काम है उन सबको हमने बांट दिया मल्टी सेलुलर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एन नंबर ऑफ वर्क है, एन नंबर ऑफ लेबर, जैसे आपका कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो जस्ट लेबर डिजाइन फॉर ईंट होने के लिए लेबर होगी आपकी, ठीक है, फिर आपका सीमेंट लाने के लिए लेबर होगी। तो इसी तरह कोई भी एक यूनिट बनती है तो उस यूनिट में अलग अलग ग्रुप का अलग अलग काम होता है। ऐसे कोई संस्था अगर आप चला रहे हैं, कॉलेज को भी ले लीजिए, टीचर्स है उनका अलग काम है, क्लर्क का अलग काम है, पियोन का अलग काम, एवरीबॉडी हैव डिफरेंट फंक्शन। अब सिमिलरली अगर हमारे पास महाविद्यालय में मान लीजिए 20 प्रोफेसर हैं, सारे प्रोफेसर्स का काम क्या पढ़ाना, तो उनको एक ग्रुप बना दिया गया कि दे आर कॉल्ड प्रोफेसर, राइट। सिमिलरली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। अगर आपके पास एन टाइप ऑफ वर्क है, एन प्रकार का कार्य है, दैट मीन्स हमारे पास एन प्रकार के कलेक्शन ऑफ सेल होंगे, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए फिर क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे, दे परफॉर्म वन स्पेसिफिक, ओके ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफाइड फंक्शन। मतलब काम चला हुआ कुछ नहीं था।
माने कि एक पर्टिकुलर संस्था को ये रिप्रेजेंट करता है कि एक ही गेम के में जा रहा है, इसलिए उसको क्लस्टर बोला जाता है। इसमें क्लस्टर थोड़ा सा ग्रुप से डिफरेंट है। ग्रुप तो आप किसी को भी बोल देंगे, कैसे भी अगर 10 तरह के लोग इकट्ठे हो जाए वो भी ग्रुप है, आइडर 10 तरह के लोगों का अलग अलग फंक्शन है वो ग्रुप है, बट क्लस्टर मीन हैविंग द सेम फंक्शन एंड रिप्रेजेंटिंग द वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट। चलिए स्टैंडर्ड का डेफिनेशन आप इशू का लिख लीजिए। क्या हुआ बेटा? यूनिसेलुलर का मतलब है उसमें एक ही कोशिका होगी, जहाँ एक ही कोशिका होगी तो वो एक ही कोशिका सारा काम करेगी, वहाँ से उत्तक का उत्तक होगा ही। उत्तक का मतलब ये है जब कोशिकाएं इकट्ठी होकर के किसी काम को करती है, इसीलिए हमने यूनिसेलुलर का, आई थिंक आपने पहली क्लास नहीं की जिसमें सेल पढ़ाया गया था, ये की थी हाँ, इसलिए आपने क्या बोलते हैं, बट आप ही लोग देखो मैं
एनिमल्स आर मूवेबल और दोनों ही लिविंग हैं। पेड़ पौधे आपके हाँ स्टेशनरी है, मैंने रुके हुए हैं, स्थिर है राइट, पेड़ पौधे स्थिर है और जो एनिमल्स हैं जंतु हैं वो आपके मूवेबल हैं, वो चलते हैं। ऐसा क्यों लोकोमोशन परमानेंट
होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू। बेसिकली ये आपके होते हैं टिश्यू जो टूटते रहते हैं, डिवाइड होते हैं। परमानेंट का मतलब है कि वो एक जगह से सही हो गया, दैट इज परमानेंट। बट मेरिस्मेटिक का मतलब दे आर चेंजिंग, वो डिवाइड हो रहे हैं। क्यों डिवाइड हो रहे हैं? कोशिका क्यों डिवाइड होती है? मैंने जब कोशिका पढ़ाई थी तो बताइए कोशिकाओं का विभाजन क्यों होता है? बताइए ग्रोथ करने के लिए दो तरीके हैं उसमें। अगर खुद का सेल्फ ग्रोथ करना है तो आपका मिटोसिस है, और अगर रिप्रोडक्शन है या ऑफस्प्रिंग पॉपुलेशन बनाना है तो मियोसिस। तो इसीलिए ऐसे ही आपका ऊतकों का भी विभाजन होता है। तो ऊतकों का विभाजन हो रहा है यानी कि कोशिका के या फिर ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के लिए या उसकी ग्रोथ के लिए। ठीक, अब ये जो टिश्यू होते हैं ये एक स्पेसिफिक पार्ट्स में पाए जाते हैं, इनका एक स्पेसिफिक रीजन होता है। स्पेसिफिक रीजन का मतलब जैसे कि आप अगर एक स्टैंड का स्टैंड लेते हैं, अभी डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, स्टैंड का मतलब तना, ठीक है। तो अगर कोई आप पेड़ पौधे ले रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे ये आपका पूरा तना है तो यहाँ से एक छोटा सा कहते हैं ना पेड़ फूट रहा है ना, तो यहाँ से थोड़ा सा निकलेगा, फिर यहाँ से यहाँ तो कुछ नहीं निकलेगा, एक पत्ती यहाँ से उभरती है, एक पत्ती उसके टॉप से उभरती है। तो भाई बीच के हिस्से से क्यों नहीं निकली? जो बीच में जगह है, एक यहाँ से बर्ड निकली, एक बर्ड यहाँ से निकली, इसके बीच में जो रीजन है इसमें से कोई भी बर्ड आपकी नहीं निकली। मोस्टली प्लांट में ये होता है कि वो कंटिन्यूस नहीं फूटते, एक यहाँ से निकला, फिर एक पत्ता वहाँ से निकला, एक पत्ता वहाँ से निकला। तो वो होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू की वजह से, क्योंकि मेरिस्मेटिक टिश्यू उसी जगह पर पाया गया है, इसीलिए वहाँ पर एक बर्ड निकल आया है, यहाँ पे वो पेड़ फूट गया। ठीक है, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू एक किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, सारे पौधे में नहीं पाए जाते। ऐसा नहीं है कि पूरा जितना तना है सारे में टिश्यू फैला हुआ है, वो कुछ हिस्से जहाँ पे वो मिलेगा वहीं पे आपका उसका ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है, डेवलपमेंट हो जाएगा। तो अभी मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, उसमें आपको बताते हैं पेड़ में कौन कौन से। ये आपके तीन टाइप से होते हैं, जो टिश्यू यहाँ पे
एपिकल मेरिस्टम ये कहाँ होता है? ग्रोइंग टिप पे, ये आपको टिप पे मिलेगा, आपको जो बढ़ती हुई टिप है, टिप जानते होंगे ना छोटी किसी चीज का, तो जो ग्रोइंग टिप होती है उस पे आपको कई बार ऐसे पूछ लेंगे एपिकल मेरिस्टम टिश्यू कहाँ मिलेगा, ग्रोइंग टिप पे, स्टैम के बीच में, रूट पे कहाँ मिलेगा, तो ये हमेशा ग्रोइंग टिप जिस जो ऊपर फूल फूट रही है पत्ती ये यहाँ होती है। कोई भी स्टेम है, ये बेसिकली हमने एक स्टेम बनाया है, एक तरह बनाया है, तो एक तने में नोड, नोड जानते हो जहाँ से वो फूटता है उसको नोड बोलते हैं, तो कहाँ से वो फूट रहा है, कहाँ से उसमें पत्तियाँ निकल रही है, इसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल इन तीनों में से? इंटर कैल्वी, इसीलिए मैंने ये डायग्राम भी ऐसा ही बनाया है कि इंटर कैल्वी जहाँ टिश्यू होगा वहीं पर आपका वो ऐसे फूटना शुरू कर, नोड उसमें निकल जाएंगे, वो पेड़ वहाँ से फूटना शुरू कर दिया। तो ये सब अपनी भाषा में हिंदी में लिख लीजिए, किसके लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के तीन प्रकार, ये भी तीनों टिश्यू, एपिकल टिश्यू, इंटरकैल्वरी टिश्यू, लैटरल टिश्यू, तीनों टिश्यू ही, लेकिन तीनों के अलग अलग फंक्शन, ये आपकी लंबाई के लिए मैटर करेगा, ये जो इंटरकैल्वरी है वो देखेगा कहाँ से आप नोड निकलेगी, कहाँ से फूट रहा है, और लैटरल ये देखेगा उसका जो परिधि है। इसीलिए
ब्रांचेस उनमें से ही टूटेंगे, तो ऊपर की जो नीवे टहनियां हैं या ब्रांचेस हैं उनमें अब आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहेंगे। तो जैसे जैसे पेड़ ग्रोथ करता रहता है ऊपर ऊपर फूटता रहता है, नीचे नीचे फूटना बंद हो जाता है। कुछ टाइम बाद ऐसे होता है कि ब्रांचेस निकलती हैं, उनके ही लट्ठे बन जाते हैं, ठीक है। एक दो तीन ब्रांचेस निकली उनके भी इतने बड़े बड़े पूरा लट्ठा बन गया, ठीक है। इस तरह ये कब बनेगा, व्हेन जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टॉप टू डिवाइड हो, क्या हो जाए, टूटना बंद हो जाए, स्टॉप टू डिवाइड, तब आपकी परमानेंट टिश्यू बन जाए। जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपके तीन टाइप के हैं, वैसे ही परमानेंट टिश्यू के, ठीक है। एंड स्ट्राइकिंग द थीम, बस पहले बेटा थोड़ा ऐसा नहीं है लिखने का, जैसे मैं लिख रही हूँ आउटर लेयर का।
बॉडी है, बॉडी की जो अंदर वाला पार्ट है मोस्ट इनर लेयर, वो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती है। तो आपके वो जो लेयर है जो ब्रेन से कनेक्टेड है उसके ऊपर भी दो तीन लेयर होती है, राइट। सो दैट लेयर स्ट्रक्चर चाहे वो एनिमल हो प्लांट हो उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। तो ये जो एपिडर्मिस होता है इसके नीचे होते हैं परमानेंट टिश्यू। क्यों? क्योंकि परमानेंट टिश्यू क्या है, जिसने कि डेवलप होना बंद कर दिया, उसका ग्रोथ बंद हो गया। तभी तो कई बार क्या होता है हल्की सी खरोच में पता भी नहीं चलेगा क्योंकि उसके नीचे परमानेंट टिश्यू है। उसके नीचे अगर मेरिस्मेटिक टिश्यू होता तब पता चलता ना, क्योंकि दैट इज डिवाइडिंग एंड वही रिस्पॉन्सिबल है आपके ग्रोथ के लिए। इसका काम तो हो गया, परमानेंट टिश्यू ने अपना ग्रोथ कर लिया, काम हो गया, अब नहीं वो बस केवल ऐसे पड़ा हुआ। तो इसीलिए कोई भी लेयर स्ट्रक्चर होता है, जो भी एपिडर्मिस होती है स्किन की, प्लांट की स्किन की जो एपिडर्मिस होती है उसके नीचे पाए जाते हैं परमानेंट टिश्यू। और उसी में सबसे पहला जो टिश्यू होता है वो होता है पैरेन्चियमा, जो कि बिल्कुल आपकी एपिडर्मिस के नीचे, यानी कि जो आपका सतही स्ट्रक्चर है उसके नीचे जो परमानेंट टिश्यू पाया जाता है वो होता है ठीक। ये आपका मिलेगा एपिडर्मिस के नीचे। एपिडर्मिस मैंने बता दिया जो आपकी आउटर लेयर लेयर्ड स्ट्रक्चर है, उस पूरे स्ट्रक्चर को एपिडर्मिस बोलते हैं, कवरिंग कह लीजिए ठीक है। तो ये आपका बीनीथ माने का मतलब कह लीजिए बीनीथ द एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस क्या है, दिस इज लेयर्ड स्ट्रक्चर, लेयर स्ट्रक्चर टू कवर द बॉडी, बॉडी का मतलब यहाँ बिल्कुल भी ह्यूमन बॉडी नहीं है, बॉडी का मतलब लिविंग ठीक है। तो उसको कवर करने के लिए जो लेयर स्ट्रक्चर बना होता है उसे को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के नीचे ये पाया जाता है, ये सबसे सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपलेस्ट। चारों टिश्यू में अगर कोई सबसे साधारण टिश्यू है तो वो है पैरेन्चियम, सबसे सिंपल परमानेंट टिश्यू। बाकी उसके नीचे जितना आप जाएंगे, जैसे मैंने जिस ऑर्डर में लिखी है तो उनकी जटिलता बढ़ती जाती है, इसलिए इसका ज़्यादा कुछ खास काम ही नहीं। अब जितना आप नीचे का देखोगे तीनों के उनके काम नहीं, जितना बॉडी कॉम्प्लेक्स होती जाती है उतना ही वर्क भी कॉम्प्लेक्स होता जाता है। बस इसका इतना सा काम है कि जब ये आपका एपिडर्मिस के नीचे है तो ये उस फूड को स्टोर करके रखता है, क्योंकि जैसे आपकी लीव्स हैं उन्होंने खाना बनाया तो लीव्स आपका आउटर लेयर है, तना हरा हो जाए तना भी आपका, अगर तना ग्रीन है जब पौधा बनता है तो पहले उसमें पत्ती तो बनती नहीं, जैसे एक पत्ती आएगी उसके बाद तना बनेगा, फिर दूसरी पत्ती वो तने में कन्वर्ट हो जाती, तो वहाँ पे जो उसकी बड़ निकलती है वो भी फोटोसिंथेसिस करती है। तो वो जो फूड बनता उसको स्टोर कहाँ किया जाता है, उसको यहीं पे स्टोर किया जाता है, यानी कि एपिडर्मिस के नीचे। क्योंकि कई बार खेतों में क्या होता है इंसेक्ट अगर लग जाते हैं तो इंसेक्ट सबसे पहले आपका फर्स्ट लेयर को खाएगा, एपिडर्मिस को खाएगा, तो फूड स्टोर रहता है एपिडर्मिस के नीचे परंचिया। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है कोलेंचियामा। इसमें इस वर्ड से आप देख लीजिए ये कहाँ से बना है, COL हाँ वेरी राइट, ये कहाँ से आया, क्लोरोफिल। तो वो टिश्यू जिसमें क्लोरोफिल होगा दैट टिश्यू इज कोलेंचियामा। तो ये जो वर्ड है ये आपका उसी से बना है, क्लोरोफिल से वर्ड बना है क्लोर लगा के। चलिए अब आगे आते हैं आपके पैरेन्चियमा, इसका क्या काम है? कभी किसी ने बनाया है, आई डोंट नो आपने बनाया, हमने तो बचपन में बनाया धनुष तीर कमान जिसको ऐसे बोलते हैं, किसी ने ट्राई किया है? हाँ। तो आप क्या करते हैं कि फ्लेक्सिबल तना लेंगे, ऐसे बोलेंगे पहनी ले आओ,
है ना, फ्लेक्सिबल तो वो क्या पतंग वाली। अच्छा पतंग वाली, हाँ आपको भी समझ नहीं है पतंग वाली, बट हमने पतंग नहीं बनाई है लेकिन ये बहुत बनाया है, धनुष कमान है करके खेत से तोड़ा और शुरू हो गए। तो वो जो बनाते हैं उसमें आप क्या करते हैं, आप गेट से बिल्कुल सीधी पहली तोड़ के डालते हैं, ठीक है। देन यू हैव टू बैंड इट, आप उसको सेमी सर्कुलर अर्ध गोले के उसमें बना लेते हैं, ऐसे ही थोड़ा पहनी है इसको आपने झुका दिया और ऐसे इसको बैंड कर दिया, और अब इस पर यहाँ से यहाँ तक आप एक धागा बांध देंगे अंदर, ठीक है। तो ये टहनी क्यों उड़ जाती है, टहनी जो आप लाए वो उड़ क्यों जाती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है, और सूखी हुई टहनी नहीं उड़ती, जो चूल्हे में लकड़ियाँ जलती हैं वो नहीं उड़ती, मुड़ेगी तो टूट जाएगी, वो गीली होती है इसलिए मुड़ जाती है। अच्छा गीले तो और भी चीज़ें होती हैं, इसको गीला कर दें चेयर टेबल को, किसी चीज़। ये जो टिश्यू होता है थर्ड नंबर कॉलम के आम, ये आपके सेल्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। तो वो जो टहनी आप लाते हैं जो ऐसे मुड़ जाती है उसमें ये टिश्यू पाया जाता है, इसीलिए वो फ्लेक्सिबल होती है, समझ रहे हैं। तो दैट टिश्यू द स्कोलेंजियामा ये आपका प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी की हिंदी लचीलापन, इज राइट लचीलापन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बैंडिंग, बैंडिंग मतलब मुड़ना, तो ये आपको क्या करेगा बैंडिंग ऑफ, बैंडिंग ऑफ प्लांट्स पार्ट्स, प्लांट्स के पार्ट क्या क्या होते हैं, स्टैम भी पहले स्टैम है, ठीक है, जो तना होता है वो मुड़ जाता है, बहुत कई बार और भी पार्ट मिल सकते हैं। तो ये आपका ये प्रोवाइड करता है, इसका मतलब ये आपका कैसा टिश्यू है फ्लैक्सीबल, ठीक है। तो ये इस टिश्यू का काम होता है, अरे नीचे वाले में लिख सॉरी, ये इसका कैसा करो इसको हम ये कर देते हैं और इसको कर देते हैं, इसमें क्या होगा आपका क्लोरोफिल, ठीक। अब भी नारियल, आज वैसे सोचेंगे मैडम क्या मतलब है, बट ठीक है चीज़ों को रिलेट कर पाओगे तो ज़्यादा समझ लो। नारियल देखा है किसी ने, सब ने देखा होगा, तो अगर जो पेड़ पे लगा हुआ भी नारियल होता है उसका जो, ये नहीं बोल रही हूँ मैं हरा हरा वाला नहीं, जो आपका हाँ जो मंदिर में पूजा के लिए यूज़ होता है, तो नारियल का जो आउटर पार्ट होता है ना वो बिल्कुल सूखा हुआ होता है, सबने नोटिस किया होगा है ना। तो वो जो सूखा हुआ पार्ट है नारियल का जो हस्क है वो सूखा हुआ पार्ट है, वो किस वजह से, वो भी तो आपका प्लांट से आ रहा है लेकिन वो तो सूखा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे ये डेड पार्ट, ऐसा लगता है ये क्यों प्लांट से आया, उसको देख के जैसे लगेगा जैसे ला के आपने उसको एक साल तक सुखाया है, बट ऐसा नहीं होता, वो ओरिजिनली ही उसका जो आउटर कवरिंग है वो सब ऐसे ही झाड़ जैसे क्या निकला रहता है उसमें कबाड़ टाइम आई होप यू अंडरस्टैंड कि फिर उसको कभी नारियल ले आओ तो लाने से इतने में उसकी मशक्कत करो इतने मन खराब हो जाता है, भैया अब तो खाना ही नहीं है, एक घंटा तो उसको निकालने में लग गया। सो दैट आउटर जो कवरिंग होती है उसकी वो जो सूखा हुआ हस्क होता है, हस्क काइंड ऑफ भूसा जिसको बोलते हैं लैंग्वेज में, बट वहाँ पर वो शब्द नहीं, वो इस टिश्यू की वजह से होता है लास्ट वाला जो टिश्यू। तो किसी भी सेल का जो सूखा पार्ट बेसिकली वो एक तरीके से डेड सेल है, वो जो सूखा हुआ पार्ट होता है नारियल के चारों तरफ वो क्या है डेड सेल, ठीक है। तो वो डेड सेल्स क्यों है, क्योंकि उसमें ये वाला टिश्यू पाया जाता है, तो बेसिकली दीज आर द डेड सेल्स होती हैं। और ये आप ऐसे लिख लीजिए एग्जांपल ब्रैकेट में लिख लो नारियल का, कुछ लोग भी उसको बोलते हैं, तो उसको याद रखिएगा।
कि आजकल हर एग्जाम का टेंडेंसी ऐसा हो गया है कि वो हर क्वेश्चन को डेली लाइफ से या आपके सराउंडिंग से रिलेट करने का कोशिश करता है. बिकॉज एवरी एग्जाम इज नॉट स्पेसिफिक फॉर वन क्लास ऑफ स्टूडेंट. वो ऐसे है कि कोई भी चाहे साइंस का आर्ट्स का कॉमर्स का हर किसी को पता होना चाहिए. तो वो डे टू डे लाइफ से भी पूछा जाता है इस तरह का सवाल. तो ये नालियाँ ये सब चीज़ें हमारे लिए डेली होता है. अब जो नालियों का ये हस्त जो होता है दैट मीन्स बाहर का जो सूखा पार्ट है वो पतला नहीं होता. अगर आप देखेंगे उसमें कई सारी लेयर होती है, उसकी थिकनेस काफ़ी अच्छी होती है. तो उसकी जो थिकनेस होती है उसका कारण है उसमें पाया जाता है लिग्निन. ठीक है, लिग्निन लिख लीजिए. वो भी एक तरीके का टिश्यू ही है. वो केवल नारियल के केस में है लिग्निन. तो जो थिकनेस होती है, थिकनेस यानी कि नारियल का जो हस्क है बाहर का उसकी जो थिकनेस है, हस्क समझ रहे हैं ना, जो बाहर का वो निकालते हैं उसको थिकनेस ऑफ कोकोनट हस्क, इसकी वजह से होती है. लिग्निन की वजह से ऐसा होता है. अब ये चार टाइप के आपके परमानेंट टीचर थे, परेंचियामा, पैरेंचियामा, पैरेंचियामा एंड स्कैल्पियामा. चारों का फंक्शन हमने बता दिया. कई बार ऐसे भी आ जाता है वो आजकल तो यूपीएससी में स्टेट पीसीएस में बड़ा फैशन चल रहा है मैचिंग मैच. या प्रॉपर्टी कुछ भी लिख दिया और एक तरफ आपको ये सारे टिश्यू आप उनको मैच करते रहिए. कौन सा क्या ठीक चलिए. अब एक चीज और, किसी ने स्ट्रोमेटा का नाम स्ट्रोमेटा पत्तियों में पाया जाता है. प्लांट के अंदर जितने भी पार्ट हैं सबका एक ना एक उद्देश्य है. कहते हैं ना कुछ भी होता है किसी कारण से होता है. मानसार को वास्तु उत्सर्जन में आता है. वास्तु उत्सर्जन ट्रांसपिरेशन. हां हां समझ गए. ही इज वेरी राइट. उसका काम होता है ट्रांसपिरेशन. आप लोगों ने मुझे नहीं पता क्लास में या लिया था नहीं समझ गए अभी बताएंगे. अच्छा अभी दोबारा बताऊंगी. अभी तो मैंने जस्ट बच्चों से पूछा. स्ट्रोमेटा को अगर समझना है तो उसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है. मेरी एक आदत है कि हर चीज़ को डेली लाइफ से जोड़ने का. आप एक काम करो, एक पॉलिथीन लेना और उसको बांध देना पेड़ में. और पेड़ में जैसे पत्तियां हैं, जैसे ये पेड़ है इतना बड़ा, इसके दो एक पत्ती को ही आप इतनी बड़ी पॉलिथीन लेके उसके अंदर बांध दो. धूप निकल के होनी चाहिए. चार घंटे बाद जाके पॉलिथीन को खोल के ले आना तो आप देखेंगे उस पॉलिथीन में पानी की ड्रॉपलेट्स आपको बूंदे दिख जाएंगे. तो यही प्रक्रिया कहलाती है ट्रांसपिरेशन. यानी कि पत्तियों से पानी का जो उत्सर्जन होता है दैट इज ट्रांसपिरेशन और वाष्पोत्सर्जन. ठीक है, हिंदी बाकी. तो जो स्ट्रोमेटा होते हैं उनका काम होता है ट्रांसपिरेशन करना. ठीक, एस्ट्रोमेटा होते कहाँ हैं चल पहले लिख लो. एस्ट्रोमेटा का नाम लिख लो पहले से. ट्रांसपिरेशन इन हिंदी वास्तोत्सर्जन. एपिडर्मिस क्या है कि आपकी आउटर लेयर राइट. तो ये जो होते हैं स्ट्रोमेटा ये बेसिकली छोटे छोटे छिद्र हैं, पोर्स हैं और ये आपकी एपिडर्मिस पर ही पाए जाते हैं. अब एक चीज और, ये छिद्र आपको इस पत्ती के ऊपर नहीं दिखाई देते आप, है ना. मैंने क्या बताया कि एपिडर्मिस लेयर्ड स्ट्रक्चर है, वो एक लेयर नहीं है. तो लेयर्ड स्ट्रक्चर है पूरा एपिडर्मिस, उसी एपिडर्मिस में पाए जाते हैं आपके स्ट्रोमेटा. तो मान लीजिए पहली लेयर में नहीं होते, उसके नीचे की लेयर. इस स्ट्रोमेटा को आप देख भी सकते हैं, कोई मोटी पत्ती
नीम की पत्ती में दिख जाता है। हाँ, कोई थोड़ी वैसे पत्ती हो, उसमें आप हल्के से निकालिए तो नीचे एक झिल्लीदार ऐसे सफेद कलर का ऐसे 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 करके कट लगे रहते हैं उसमें, तो वो स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा। सो दीज स्मॉल स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे छेद हैं, उनको बोलते हैं स्ट्रोमेटा, और उनका काम होता है पत्तियों से पानी को इवेपोरेट करना। ठीक, तो वो होता है स्ट्रोमेटा, इसको भी लिख लीजिए, मैं सारे लिख देती हूँ, बाकी होता क्या है मैंने बता दिया, वो लिख दो। स्ट्रोमेटा, स्ट्रोमेटा काम क्या करता है, ये करता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन बाद found in epidermis of leaves पत्तियों का जो आउटर कवरिंग है उसमें ये पाया। और इसको मैटर की जो फिगर होती है मतलब उसमें कुछ ऐसा, हाँ वो सही बना रही है सही बना रहा है ऐसा कुछ, मान लीजिए जैसे किडनी का स्ट्रक्चर होता है ना, दो बीज को आप ज्वाइन कर दें तो ऐसा इसको मैटर का स्ट्रक्चर होता है। इनको ये जो है दोनों बराबर होगी छोटी बड़ी है। यहाँ से वास्तव उत्सर्जन कम होगा, यानी कि पानी की बचत होगी।
समझ गए, इसीलिए वहां पे पत्तियां कांटों का रूप ले लेती है जिससे कि आपका ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाए। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, वो जो पत्तियां होती हैं वो कुछ वैक्सी होती हैं, माने कि मोम, मोम जैसा अगर आप देखेंगे, यहाँ मैंने वो पेड़ नहीं देखा लेकिन मेरी एरिया में होता है, उसके ऊपर कांटे होते हैं, एक पीले रंग का उस पर फूल भी आता है, इतना सा। हाँ मतलब उसमें कांटेदार हो गया था, हाँ हाँ उसमें कांटे कांटे होते हैं, ऐसे सिखा के तने निकले होंगे और बेसिकली उसमें कहीं पत्ती आपको दिखेगी नहीं और उसमें कांटे निकले होते हैं, उसमें फूल भी आता है येलो। सो अगर आप उसको देखें, उसका ऐसे टच करके देखो उसकी पत्ती, तो आपको ऐसे लगेगा मोम जैसा इस पर लगा हुआ है। तो शुष्क रीजन में पत्तियाँ वैक्सी भी हो जाती हैं। वैक्सी मतलब जब आपके आउटर लेयर पे एक चिपचिपाहट है तो वहां से आपका ट्रांसपिरेशन होगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए एरिड रीजन में ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए, बाष्प ऑक्सीजन को कम करने के लिए पत्तियां काटना बदल जाती है, पत्तियों का वैक्सी मोम जैसा स्ट्रक्चर उनके ऊपर होता है, वो बहुत थिक भी होती है। ठीक है, मोटी भी होती है, अगर जितना पत्ती होगी तो स्ट्रोमेटा उतना ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ा देता है, अगर पत्तियां मोटी हैं तो आपके वाष्प ऑक्सीजन की दर कम होगी। तो अल्टीमेटली ये वहां पे यही रहता है पेड़ पौधों का। देखिए, वी आर द एनिमल्स, आई मीन एवरीबॉडी शुड बी आल्सो एनिमल, तो हम लोग अपने सर्वाइविंग के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स को सर्वाइव करना खुद से है, तो अपने आप को उसी हिसाब से मोल्ड कर लेता। आई थिंक आप लोगों ने डार्विन की थ्योरी पढ़ी होगी। ठीक है, अभी हम पढ़ाएंगे आगे, वो लोमड़ी वाली है, क्या है, अंगूर, अंगूर जिराफ का, जिराफ की आपका अंगूर लेने के लिए उसकी गर्दन बढ़ जाती है, दैट इज इवोल्यूशन थ्योरी में आएगा। तो ये सर लैमार्क की थ्योरी है कि अगर आपको सर्वाइव करना है तो अपने आप को उसी हिसाब से मोल्ड करते रहिए, उस हिसाब से परिवर्तित करते, यही चीजें प्लांट्स पे भी लागू होती हैं। तो इसीलिए प्लांट्स आपके शुष्क रीजन में अपने आप को इस तरह से परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज था जो कि आया हुआ था, हम लोगों को ये नोट कर। अभी तक जो मैंने ये सारी कहानी पढ़ी, दीज आर द वेरी सिंपल टिश्यू। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, थोड़े से जटिल, तो इनका केवल एक एक ही काम है, वो भी ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट काम नहीं। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जो सेल का अरेंजमेंट होता, सेल जब ग्रुप बनी हुई है उनका जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत जटिल होता है, उनका काम भी कॉम्प्लेक्स होता है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जो सबसे दो इम्पोर्टेंट टिश्यू आते हैं, अभी हम प्लांट की बात करें, एनिमल पे नहीं है, सारी कहानी अभी प्लांट टिश्यू में ही चल रही है, वो होते हैं आपके जायलामेंड, सबने नाम सुना ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये आता रहता है परीक्षा में कई। तो अब आपका जायलम और फ्लोयम प्लांट टिश्यू में और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में। ठीक, इस सब को रब कर दो। बेटा तेज से बोलो जो भी बोलना है। वो जो उधर चार टिश्यू लिखवाए थे परमानेंट टिश्यू में, वो सिंपल टिश्यू थे, दिस इज ऑल्सो परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू है लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। ठीक है, तो ये भी परमानेंट ही टिश्यू है, ऐसा नहीं आप लोग मैथमेटिक में नगिन है, दीज आर ऑल्सो परमानेंट टिश्यू। अब चलिए, जायलम फ्लोएम आप लोगों ने कहा कि नाम सुना है, तो क्या जानते हैं इनके बारे में, क्यों सुना है? जड़ों से मतलब जड़ों को मजबूती जल लेता है, वो पहुंचाता है, जड़ों
क्वेश्चन क्या लिखा है? मतलब जल को, जल का परिवहन करता है। राइट। और जो मतलब बनता है उससे मतलब परिवहन करता है। सही कहा कि जो जायराम स्वयं है, इनका काम क्या है कि जायराम पानी को आपके रूट से ले जाके प्लांट्स के अदर पार्ट, स्टेम है, लीव्स है, जितना भी पार्ट्स है प्लांट का, आपका प्लांट्स का सीड्स है, फ्लावर है, सारे पार्ट्स में पानी को कौन पहुंचाता है? जायराम। और स्वयं क्या करता है? फूड को। फूड कहाँ बना? पत्तियों में। तो उस फूड को पत्तियों से लेकर के जो भी आपका सीड्स है, रूट्स है, स्टेम है, लीव्स है, जितना भी पार्ट है प्लांट का, सब में वो काम करता है फ्लोएम। तो इसको ऐसे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने वैसे याद रखा था फासे फ्लोएम फासे फूड, तो कंफ्यूज नहीं होगी ऐसे, इसको याद रख लो कि फासे फ्लोएम फासे फूड तो फूड के ट्रांसफर के लिए हो गया और बाकी जो बचा वो जायराम हो गया उसके ट्रांसफर के लिए। ठीक है, चलिए अब एक चीज और यहाँ पे सीड सेल में लिखा, सीड सेल्स लिखा है, सेल्स मतलब ये अपने आप में एक ऊतक है। इन सभी पांचों ऊतकों में फ्लोएम फाइबर इज द डेड सेल एंड देयर
ठीक, यहाँ पे वन पर्सन सेट की पानी का ट्रांसफर जैलम का एक और काम है, बिकॉज जितना भी मिनरल्स होता है खनिज, तो जो भी मिनरल्स होते हैं वो आप ऐसे नहीं करो, जैसे हम मिनरल्स कैसे लेते हैं, या आप कोई फूड लेते हैं या कोई टॉनिक लेते हैं या कोई लिक्विड लेते हैं, उसके मिनरल्स ऐसा तो है नहीं कि सोडियम का कुकी ले लिया या कैल्शियम लिया और खा गए, मैग्नीशियम लिया, दैट मीन्स ऑल दीज मिनरल्स आर पार्ट ऑफ सम फूड, ठीक है, या सम लिक्विड। तो उसी तरीके से जाइलम का काम पानी के साथ साथ मिनरल का भी ट्रांसपोर्टेशन है, माने कि पानी का और मिनरल दोनों का ये आदान प्रदान, हाँ, तो वाटर के साथ साथ ये मिनरल का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। चलिए अभी नेक्स्ट।